देवभूमि आईटीएफ ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा स्कूली बच्चों को ताइक्वांडो का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ब्लैक बेल्ट अशोक कुमार ने बताया कि देवभूमि आईटीएफ ताइक्वांडो एसोसिएशन डोईवाला क्षेत्र में छात्र छात्राओं एवं महिलाओं को सेल्फ डिफेंस के लिए प्रशिक्षण दे रहा है और उन्होंने कहा कि ताइक्वांडो छात्राओं और महिलाओं के लिए बेहद जरूरी है। जिस प्रकार से देश में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, उसके लिए महिलाएं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ताइक्वांडो सीखे और जो कोई इसके साथ छेड़छाड़ करे उसका डट कर सामना करे। वही उनके इस पहल की तमाम स्कूलों ने भी प्रशंसा की है, क्योंकि जिस प्रकार से क्राइम दिन प्रतिदिन पूरे उत्तराखंड में बढ़ रहा है और हमारा मकसद भी ये है कि लड़कियां जो है ना ताइक्वांडो सीखे और अपने सेल्फ डिफेंस से कॉन्फिडेंस इनका बढ़ेगा और आगे ये और भी मतलब ब्लैक बेल्ट डिग्री हासिल करें ताइक्वांडो एसोसिएशन से। लगभग डोईवाला क्षेत्र, रानी पोखरी और भानेवाला, इन क्षेत्र में जितने भी स्कूल्स हैं सभी स्कूल्स में देवभूमि आईटीएफ ताइक्वांडो एसोसिएशन प्रशिक्षण दे रहा है गर्ल्स को और बॉयज़ को, और महिलाएं भी सीख रही हैं। इसमें का जो कार्यक्रम है ये है देवभूमि आईटीएफ ताइक्वांडो एसोसिएशन, जो फर्स्ट एसोसिएशन है जो एफिलेटेड है ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ इंडिया से, और मेरा मकसद ये है कि जो भी बच्चे ताइक्वांडो सीखे सबसे पहले वो एसोसिएशन को जरूर देखे। अगर इम्प्रूवमेंट होता है और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, स्टैमिना बढ़ता है, और जैसा सर ने बोला है कि आजकल जैसे क्राइम हो रहे हैं गर्ल्स के साथ में, तो मैं यही मोटिवेट करूंगी गर्ल्स को कि वो आगे आए सीखें और अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्ट करना सीखें और सेल्फ कॉन्फिडेंस आए और अपनी हेल्थ को गुड रखें। थैंक यू जी। इससे एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मानसिक वो भी डेवलप होता है और शारीरिक विकास भी होता है सर।